तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारी माइनक्राफ्ट की सीरीज। पहले तो यहाँ पे रात है, तो पहले हम लोग सुबह करते हैं। और एक बात, मुझे लास्ट टाइम लगा था कि मेरा जो कुत्ता है वो मुझसे दूर चला गया था। आई मिस्ड यू। लेकिन नहीं, वो हमारे साथ ही है, इसी घर में पड़ा था। और मैंने आप लोगों को पूछा था कि कुत्ते को क्या खाना देना चाहिए, तो आप लोगों ने कहा कुक्ड मटन दो। तो ये ले भाई, सभी पैटीज की ओर से तेरे लिए कुक्ड मटन। ठीक है भाई, अभी सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट डॉग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। ये बेड ले लेते हैं। आ रहे है तो मेरे साथ एडवेंचर को? आज तो आ रहा है। आप लोगों ने मुझे बोला कि इसके गले में एक पट्टा लगाना चाहिए, तो ही वो मेरे पीछे आएगा। तो वो जो पट्टा है वो मेरे पास नहीं है अभी। भाई भाई भाई, सुन 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 सुन, ए किधर जा रहा है? ए मेरा कुत्ता है, तू इधर आ, इधर। ए पक्का कुत्ते, इधर आ। ए टॉमी आ गया। ठीक है, अभी सुन, इधर बैठ और मेरे साथ मत आ प्लीज, क्योंकि बाहर क्रीपर्स है। और तू अगर मर गया तो मेरा क्या होगा? तो तू इधर ही रहेगा। हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर पे वापस एक बार। थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का। ठीक है, हम लोग रेडी है वापस एक बार उसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे हमने खुदाई की थी। क्या आप लोगों को याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था? एक क्रीपर ने हमारा पोपट कर दिया था। बहुत बुरा हुआ था हमारे साथ। मैं पहली बार माइनक्राफ्ट सीरियसली खेल रहा था और क्रीपर ने हमारी वाट लगा दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सब सामान मुझे वापस मिल गया है। अभी बस वो केव ढूंढनी है। यही पे कहीं पे थी? ओ ये यही है शायद, यही है क्या? ओ यस, यही केव है। हमारे टॉर्चेस बहुत यूजफुल है। तो चलो इस बार हम लोग पूरी तरह से रेडी है। हमारे पास शील्ड है, हमारे पास स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड। तो हमें कोई नहीं मार सकता। आराम से मिथपैट, इस बार क्रीपर से नहीं मरना। मैं एक पहले काम कर लेता हूँ, क्रीपर से बचने के लिए मेरे पास आयरन इंगेट है और मेरे पास आयरन ओर है। तो मैं पहले आर्मर बना देता हूँ, क्योंकि अगर क्रीपर वापस एक बार आया तो मुझे वापस एक बार मरना नहीं है। वैसे आयरन ओर शायद मेरे पास कम है, इतने में होगा कि नहीं मालूम नहीं, इसको जलने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आर्मर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। आयन आयन आर्मर आयन चेस्ट प्लेट तो लगेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा इंगेट, बाप रे। चड्डी बनाने के लिए 1 2 3, हाँ ये भी हो जाएगा। और क्या चाहिए? हेलमेट, ठीक है हेलमेट भी बन जाएगा। लेकिन बूट्स, बूट्स के लिए हम लोगों को थोड़ा और आयन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है वो ढूंढ लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। अपना आयन मेल्ट होने तक हम लोग आयन का हेलमेट बना देते हैं। तैयार है हमारा हेलमेट। टंग टंग नंग टंग टंग नंग टंग टंग नंग। हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं तो अपने माइनक्राफ्ट के हवलदार लोग आ जाएंगे वापस एक बार अपने को ठोकने। तो इसका हो गया क्या? तो और इंगेट तैयार है, इससे हम लोग बनाएंगे चेस्ट प्लेट। यस, अब हम लोग बनाएंगे आयरन की चड्डी। और अभी हमारे इंगेट्स एक्चुअली खत्म हो गए, तो सिर्फ ये बूट्स बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बना लेंगे हम लोग बाद में। आजा आजा क्रीपर, अभी अभी अगर तुझे मुझे मारना होगा तो सिर्फ मेरे पैर को मार सकता है, लेकिन उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा थोड़े टाइम में। लेट्स गो आगे, अभी हमें किसी चीज का डर नहीं है। कोई क्रीपर नहीं, कोई स्केलेटन नहीं। बस बस फॉल डैमेज। क्या आपने वो प्रो स्किल्स देखे? अभी यहाँ से तो मैं डायरेक्टली पानी में जम मार सकता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये बाजू जाऊँ कि ये बाजू जाऊँ, लेकिन ये बाजू जरा और अच्छी लग रही है, तो यही बाजू जाते हैं। यहाँ पे वापस उस क्रीपर से मुलाकात नहीं होनी चाहिए। बस अगर मुलाकात हुई इस बार तो मुझे डर नहीं है किसी बात का, क्योंकि हम लोग रेडी है। ए अभी मुझे बैटमैन दिखा था। ए बैटमैन, हाय बैटमैन, हाउ आर यू? जोकर कैसा है भाई? और यहाँ पे लावा है बहुत सारा, तो लावा के यहाँ तो नहीं जाना हमें। ओ देखो देखो देखो, बैट सो रहा है। क्या हम लोग बैट को पकड़ सकते हैं? मुझे बैट को भी पेट बनाना है। मारो 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 मारो। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा लाइटिंग कर देते हैं, क्योंकि ये होगी हमारी मेन केव शायद। यहाँ पे हम लोग को खुदाई करनी है बहुत सारी। और मुझे याद है लास्ट एपिसोड में जब क्रीपर हमें अटैक कर रहा था, यहाँ से गिरा वो, तब मैं थोड़ा लालची बना था क्योंकि मुझे सामने कुछ तो दिखा था। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो चेस्ट है? मुझे नहीं मालूम वो क्या है एग्जैक्टली, वो चेस्ट जैसा ही कुछ तो दिख रहा है, इसलिए मैं उसके थोड़े पास जाने वाला हूँ। यहाँ पे भी टॉर्चेस लगा देता हूँ, तभी यहाँ लाइट्स लगाने हैं। लास्ट टाइम वो क्रीपर ऐसे ही अचानक आ गया था डार्कनेस में। ये आवाज वापस एक बार आई। और कुछ लोग कमेंट्स में मुझे ये बोल रहे कि ये आवाज हीरो ब्रेन की है, और मैंने हीरो ब्रेन के बारे में पढ़ा, वो एक भूत है। और आप लोग बोल रहे हो ये आवाज हीरो ब्रेन की है, मतलब तुम लोगों ने डिसाइड किया कि मिथपैट भाई को डराना है। इस बार एकदम अच्छे से खेलना है, एकदम प्रोफेशनल। को मरने का है क्या भाई? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये क्रीपर वगैरह लोगों को बुलाता है, क्योंकि ये हमारे पास में ही रहता है हमेशा। ऐसे मुझे लगता है कि ये क्रीपर स्केलेटन सबको इधर बुलाता है, बोलता है ये देखो देखो तुम लोग का शिकार इधर खड़ा है। मुझे बहुत एक्चुअली एक्साइटमेंट है कि उधर क्या होगा। पोपट नहीं होना चाहिए बस। चलो चलो चलो, ये क्या है? व्हाट, मुझे लगा चेस्ट होगा। ये क्या है? मशरूम। सच में पोपट हो गया। वापस एक बार हम लोगों को नीचे जाना है डायमंड्स की खोज में, तो हम लोग और नीचे खुदाई चालू करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं डायमंड्स। पहले मुझे आयरन मिल गया है तो मैं चप्पल बना देता हूँ। तो ये बनने तक मैं आपको आज का प्लान बताता हूँ। आज का हमारा प्लान होगा कि पहले तो मरना नहीं है, दूसरा प्लान होगा कि शायद शायद हम लोग नीचे जाएंगे और डायमंड्स लेके आएंगे। लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि जब तक हमें डायमंड्स नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग वापस ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन क्रीपर ने सब कुछ चौपट कर दिया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार
हमें डायमंड्स चाहिए। जल्दी बन जा, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। ठीक है, आयरन बूट्स बन गए, पहनते हैं हमारी आयरन की चप्पल। अभी चलो नीचे, यहाँ से खुदाई करते हैं। आई होप कि हमारा एडवेंचर बहुत अच्छा हो, बहुत मजेदार चीजें मिले। मेरी एक बात है कि मुझे जितना भी डर लगता है क्रीपर लोगों से या फिर ज़ॉम्बीज़ से, मुझे अकेला माइनक्राफ्ट खेलने में मजा नहीं आता। मुझे चाहिए ये लोग आने के लिए, स्पाइडर्स क्रीपर्स, इससे ही तो मजा आएगा ये गेम में, और हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। और एक्सपीरियंस पॉइंट्स जो होते हैं वो एन्चेंटमेंट के लिए लगते हैं। यहाँ पे भी मुझे नीचे बैट का आवाज आ रहा है। यहाँ पर ये मालूम है मुझे। और यहाँ पर नीचे बंदे हो सकते हैं, तो हम लोग एकदम आराम से जाएंगे, एकदम स्लोली। पहले यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं, और ये जो चीज है वो एन्चेंटमेंट में यूज होती है। इसको कहते हैं भूल गया मैं वापस एक बार, इसका नाम बहुत अजीब है। इसको कहते हैं लापिस लजुली, ये किसी डिश का नाम लगता है। ओके ठीक है गाइस, हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोरेशन के लिए मजा आएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेडस्टोन भी दिख रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे घर में रेडस्टोन से बहुत कुछ ऑटोमेटिक बनाना है। आजा आजा आजा, यहाँ पर भी है रेडस्टोन, आयरन भी ले लेते हैं। ओके रेडस्टोन आयरन ये सब कुछ तो मिल गया, पर असली चीज डायमंड्स वगैरह वो कहाँ पर है? यहाँ पर लावा है, और मैंने सुना है कि लावा के आसपास डायमंड्स होते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये क्या है, ये चेक करता हूँ। ये तो गोल्ड है, ये गोल्ड दे दे मुझे। चलो हम लोग फाइनली रिच हो गए माइनक्राफ्ट में, थोड़ा पैसा आ गया हमारे पास, लेकिन असली पैसा तो डायमंड है, वो जब मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। जल्दी मिलेगा आई थिंक, गोल्ड मिला मतलब डायमंड भी जल्दी मिलना चाहिए। आगे भी देखते हैं कोई गोल्ड के ब्लॉक्स वगैरह है क्या कुछ। इधर के तो गोल्ड ब्लॉक्स खत्म हो गए। यहाँ पर गोल्ड नहीं, पर पक्का मॉन्स्टर्स होंगे। बहुत टाइम से क्योंकि मॉन्स्टर्स दिखे नहीं है, और ये लावा से बच के थोड़ा कोल ले लेता हूँ। लेट्स गो आगे, यहाँ पर लावा है मतलब यही पे कहीं पे तो हम लोग को डायमंड्स भी मिल सकते हैं। मुझे यहाँ से आवाज क्यों आ रहा है इतना, ये साइड कुछ है? एक्चुअली मुझे बहुत कम लापिस लजुली मिला है, मुझे थोड़ा और चाहिए। इसका यूज क्या है मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मुझे और चाहिए बस। रेडस्टोन तो भर भर के मिल रहा है, देखते हैं और क्या क्या चीजें मिल रही है, और गोल्ड नहीं तो डायमंड्स अगर नसीब अच्छा रहा तो। आई होप कि आज के आज हम लोगों को डायमंड्स मिले। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि क्या मैं लेवल 11 पे हूँ, तो हाँ मैं लेवल 11 पे हूँ। अभी मुझे माइनक्राफ्ट के बेसिक समझ में आते हैं, स्लोली स्लोली हम लोग प्रो बन रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कितना सच है कि लावा के आसपास हम लोग को डायमंड्स मिलते हैं। एक तो डायमंड दे दे, ए बैट, बैट तू तो इधर ही रहता है, मेरे को बोलना डायमंड्स कहाँ पे है दोस्त। हेलो हेलो, हाउ आर यू माय फ्रेंड, ज़ॉम्बी भाई आ गए हैं। हाय 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 हाय, मर जा। मेरी खुदाई होने तक हम लोग यहाँ पे आयरन के इंगेट्स बनाते हैं, ये बनता रहेगा और मैं तब तक खुदाई करता रहूंगा। लेट्स गो, मुझे जब डायमंड्स मिल जाएंगे तब मैं डायरेक्टली ऊपर जाऊंगा आई गेस। आई डोंट थिंक कि हम लोग इस बार मरेंगे। क्या आयरन का आर्मर लावा में मेल्ट होता है? मतलब अगर मैंने आयरन का आर्मर पहन के अगर मैं लावा में गया तो मैं क्या डायरेक्टली मर जाऊंगा? यहाँ से मुझे आवाज आ रहा है, अलग किस्म का आवाज आ रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स लावा। ओ माय गॉड, मैं खुदाई कर रहा था और ऊपर से मुझे लावा टपकते हुए दिख रहा है। एक्चुअली मेरे पास इतना सामान है, मैं एक चेस्ट बना ही लेता हूँ, सब कीमती सामान चेस्ट में डाल देता हूँ, बाद में मुझे रिग्रेट नहीं करना। रेडस्टोन इतना सारा जो कलेक्ट किया है वो, और क्या कीमती है, गोल्ड, ये लपिस लजुली, और कुछ तो खास नहीं है। हम लोग जाते हैं ऊपर, ऊपर से देखते हैं लावा यहाँ से टपक रहा है लावा, तो मुझे एग्जैक्टली देखना कि वहाँ पे कौन सी खिचड़ी पक रही है। बहुत लावा का आवाज आ रहा है सामने से, आई होप कि डायरेक्टली मेरे मुंह के सामने ना हो, मुझे मरना नहीं है लावा में। लेफ्ट में ही है शायद लावा, डर लग रहा है, बहुत आवाज आ रहा है क्योंकि मुझे अगर ऊपर से गिर रहा है मतलब। अरे कॉबलस्टोन आ जा। लावा को मिटाने के लिए पानी लगता है जो मेरे पास नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं लावा के ऊपर से चला जाता हूँ, आई होप कि ऊपर लावा ना हो। ये साइड तो लावा नहीं है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पर पूरा लावा है, बाप रे। मैं साइड से खुदाई करता हूँ, अगर मैंने नीचे खुदाई किया तो क्या होगा, लावा नहीं होगा ना नीचे। कमान डायमंड्स, मेरे अंदर की जादू की शक्ति मुझे बोल रही है कि मुझे डायमंड जल्दी मिलेंगे, बस वो शक्ति काम करे और फिर हमारे सामने होंगे। बाप रे, सामने तो लावा है रे बाबा, ऊपर से गिर रहा है रे बाबा आराम से। यहाँ पे लेफ्ट पे मुझे बैट का आवाज आ रहा है। ओके यहाँ पे लापिस लजुली मिला, कितना लगता है मुझे एन्चेंटमेंट के लिए मालूम नहीं, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़ता हूँ। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे लेकिन डायमंड्स नहीं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर होप्स है क्योंकि यहाँ पे मुझे बैट का आवाज आया था, मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा। पानी का आवाज आ रहा है मुझे यहाँ से, सामने है शायद पानी। ओके ये जानी पहचानी जगह लग रही है मुझे। ओह ये नहीं देखा है मैंने पहले, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे पहले आया था। पानी मेरे को क्यों पुश कर रहा है तू लावा के उधर, आराम से पानी। पानी तेरे को मालूम है हम दोनों पुराने दुश्मन है, आराम से थोड़ा। मैं यहाँ पर आया था क्या पहले? नहीं मुझे नहीं लगता। देवी और सज्जनों, आज हम लोग बन गए हैं करोड़पति। सामने मुझे दिख रहा है डायमंड्स, लेकिन मिथपैट आराम से पानी से लावा में पुश मत हो, डायमंड्स क्या सब कुछ चला जाएगा। और यहाँ पर कोई बंदा नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है ना कोई डायमंड्स की रखवाली करने वाला। बहुत सुनसान जगह है, थोड़ा डर लग रहा है मुझे, जब सुनसान होता है तब ऊपर से क्रीपर आता है हमारे ऊपर, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा सिवाय मेरे कीमती डायमंड्स। ये डायमंड्स ले लो फ्रेंड्स,
कितने मस्त दिख रहे हैं, टॉर्च के लाइट में क्या चमक रहे हैं। मैं पहले जाके वो जो मेरा चेस मैंने पीछे रखा था वो पहले लाऊं क्या, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्हाट। यहाँ पर मुझे गोल्ड भी दिख रहा है, इतना सुख मुझे कभी मिला नहीं था माइनक्राफ्ट में, लेकिन आज मिल रहा है। आई होप कि ये सुख परमानेंट हो और कोई क्रीपर वगैरह ना आ जाए। बस आ जा गोल्ड, और गोल्ड चाहिए मुझे। यहाँ पर है क्या और? नहीं यार, खत्म हो गया, इतना सा ही गोल्ड था। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके वो चेस का जो भी सामान है वो मैं लेके आता हूँ, और फिर वो सामान लेके आने के बाद हम लोग शायद यहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे, या फिर हम लोग चुपचाप ऊपर जाएंगे और विलेज में जाके अपने कुत्ते के बाजू में सब सामान अच्छे से रख के वापस यहाँ पे आएंगे और फिर अपना एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे ये एडवेंचर करने में बहुत मजा आ रहा है। लिखो यार, कितनी नई नई चीजें मिल रही है। आई होप कि सून हम लोगों को एमरल्ड भी मिले। इधर ही है ना मेरा चेस। बहुत सारा लापिस लजूली, गोल्ड और रेडस्टोन, डस्ट भी बहुत सारा। क्या क्या फेंकू मैं? वीट फेंक देता हूँ, बोन तो पक्का मिल जाएगा स्केलेटन से, तो वो भी फेंक देता हूँ। और मेरी लेवल 18 है। क्या लेवल 18 अच्छी है? क्या इससे एन्चेंटमेंट वेंचेंटमेंट हो सकते हैं? और मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं डायमंड की स्वॉर्ड बना लूँ, डायमंड का पिकैक्स बना लूँ, और फिर डायमंड का आर्मर बना देता हूँ, क्योंकि इतना डायमंड तो नहीं है, सिर्फ 3 है हमारे पास। 3 में तो आई थिंक सिर्फ पिकैक्स बनेगा। ये चेस भी ले लेते हैं, पुकट का चेस में इधर रखने नहीं वाला किसी के लिए। अब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि हमारा कुत्ता उधर वेट कर रहा है हमारे लिए, लेकिन हम लोग उसके लिए ये बोन लेके नहीं जा पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर जाके स्केलेटन को ठोकेंगे, फिर उसके लिए बोन लेंगे, फिर वो खुश रहेगा हमारे साथ। सब सामान अभी हमारे पास ही है, मतलब अगर टपक गए तो हमारा ये सब जो सामान है मेहनत से कलेक्ट किया हुआ और जो डायमंड्स है सब चले जाएंगे। आई डोंट नो इफ दिस इज अ गुड डिसीजन, लेकिन डर के आगे जीत है। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं शायद हम लोग, बहुत डायमंड्स मिल सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, लालची नहीं बनना मुझे। ओ वो क्या था? What was that? आपने देखा वो क्या है? वो क्या घूम रहा है उधर? Skeletons ही है ना? What is that? मैं जा रहा हूँ, एक मिनट, आप लोग मुझे बताओ वो क्या था। आई होप कि यहाँ पे ना आ जाए। एक मिनट, मुझे रिस्क नहीं लेना, सीरियसली डर लगता है रिस्क का जब नाम लेता हूँ तभी भी। चेस में सब कीमती सामान रख देता हूँ, डायमंड्स कीमती, और क्या लपिस लजूली शायद कीमती है, सब रेड स्टोन्स, गोल्ड भी रख देता हूँ, आयरन इंगेट्स भी रख देता हूँ फिलहाल के लिए। बस यही है मेरा कीमती सामान, और हम लोग डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। मेरा एक प्लान है, मैं पहले ऊपर तक जाके देखता हूँ, मेरे पास आई गेस कॉबलस्टोन बहुत सारा है, उससे हम लोग ऊपर तक तो जा पाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओह माय गॉड, यहाँ पर भी स्केलेटन्स हो सकते हैं। बाप रे, जस्ट बच गया मैं, एक्चुअली ना रिस्क नहीं ले सकता। रुको, वो स्केलेटन ने ऑलमोस्ट हमारी वाट लगा दी थी, मैं ऑलमोस्ट गिर गया था उधर से। ठीक है ठीक है ठीक है, वो कहाँ पर है? वो नीचे ही है, वो बस हमारे चेस से सामान ना चुराए। क्या कर रहा है स्केलेटन? पानी में खेल रहा है, शर्म नहीं आता क्या उसको? ये मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ क्या गाइस? ये वाला भी तोड़ते। ये क्या हो गया? पानी आ गया ऊपर से। यहाँ पे क्या है? ओके, यहाँ पर एग्जिट है, ऊपर शायद जा सकते हम लोग। जाओ क्या पानी के थ्रू? डर के आगे जीत है। लेट्स गो, सांस बंद, लेट्स गो। ओ माय गॉड, आई होप कि मैं ऊपर तक पहुंच जाऊं। ओके 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 ओके, अभी तो फिलहाल रात हो रही है, पहले सुबह करते। रुको, यहाँ से जाना है, ये नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो गया है। सब सामान लेके हम लोगों को इधर से निकलना है, पहले मैं यहाँ पे सोता हूँ। बाप रे, हम लोग कितना ऊपर सो रहे हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नीचे जाके हमारा जो चेस्ट है वो यहाँ से लाना है, और फिर यहाँ से लेके भटकना इधर से। अरे आराम से, कहाँ पर है वो स्केलेटन? स्केलेटन तो इधर था कहीं पे, तो और हमारा चेस्ट नीचे ही है। अगर ऊपर कहीं पे स्केलेटन हुआ ना तो वो डायरेक्टली हम लोगों को पुश कर देगा वापस लास्ट टाइम जैसे, और फिर सब कुछ खत्म। इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ मैं जिंदगी में? सीरियसली इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ? गाइस प्लीज वीडियो को लाइक मारो, प्लीज इतना रिस्क ले रहा हूँ मैं, प्लीज लाइक मार दो वीडियो को प्लीज। यहाँ से बस ऊपर जाना है, फिर सब सामान लेके हम लोग यहाँ से भटक सकते हैं, फिर विलेज में जाके सब सामान स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये लेते वक्त कोई आना जाए मुझे मारने के लिए। बस आ गया सब कीमती सामान, लेट्स गो, वी आर रेडी। वापस आएंगे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने किसी और दिन, अभी बस ऊपर तक जाना है। थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन याद है ना ऋतिक रोशन की लाइन, लेट्स गो। वो 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 वो, जादू जादू अपनी शक्ति दो, जादू थोड़ी और शक्ति जादू। अभी यहाँ से ऊपर थोड़ा और, एंड आई थिंक हम लोग बाहर आ गए हैं। लेट्स गो ऊपर। वो हो, डर के आगे जीत है गाइस, हम लोग फाइनली बाहर आ गए। मैं बाहर नहीं आया, मेरे अंदर का ऋतिक रोशन बाहर आ गया। ये लोकेशन को भी याद रखते हैं, इधर थोड़ा कॉबलस्टोन रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ऐसे हमारा इंडिकेशन बन जाएगा यहाँ से जाना है भाई नीचे। ओके लेट्स गो, अभी पहले विलेज में जाना है। मेरा चुराया हुआ घर कहाँ पे था? शायद ये वाला था शायद। ओ हेलो डॉगी, हेलो, देख मैं तेरे लिए क्या क्या सामान लाया, तेरे लिए नहीं मेरे लिए लाया हूँ। ये घर वैसे बहुत छोटा है हमारे सामान के लिए, तू आ जा इधर। अभी भी मुझ पे नाराज है क्या? आ जा रे। और तुम लोगों ने मुझे कहा था कि इसकी जो पूछ है इससे
समझता है कि इसकी हेल्थ कम है कि ज्यादा है, वो अभी तक मुझे समझी नहीं है, देखते हैं। पर भाई एक गुड न्यूज है तेरे लिए, ज़ॉम्बी से लड़के तेरे लिए रॉटन फ्रेश लाया, खा ये ले, खुश रह अपनी जिंदगी में। चलो आ जा। क्या यार, ये वफादार कुत्ता नहीं है, इसके गले में ना एक पट्टा बांधना पड़ेगा। भाई आ रे, कितना भी मैं भीख मांग रहा हूँ तेरे सामने, कुत्ते के सामने मैं भीख मांग रहा हूँ, ठीक है आना है तो आजा, मैं तो जा रहा हूँ इस बड़े घर में। देख ये देख टॉमी, देख मैं क्या कर रहा हूँ अंदर, आजा। व्हाट, किधर गया भाई, ये किधर गया, ड्राउन हो गया क्या? या भाई तू ऐसे ऐसे मर जाएगा ना, ये सफोकेट हो, क्या कर रहा है भाई, व्हाट द हेल, ओ ओ ओ ओ भाई। अरे यार ये मर कैसे गया, खुद घर के नीचे गया और खुद ही मर गया। इतने प्यार से मैंने इसके लिए रॉटन फ्लेश लाया था और ये क्या पागल जैसे मरा है, एटलीस्ट हीरो जैसे मरना चाहिए था, ज़ॉम्बी को मारते हुए या फिर क्रीपर को मारते हुए, ये क्या लल्लू जैसे मर गया, ये घर के नीचे खुद जाता और खुद ही मरता है। कोई बात नहीं गाइस, हम लोगों को दूसरा कुत्ता ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी इतना वफादार नहीं था, हम लोग हमारा जो भी सामान है कीमती वाला वो फिलहाल के लिए इसके अंदर रख देते हैं। आई होप कि ये मैंने विलेजर्स के घर में रखा है तो ये इसकी चोरी ना करे, आई डोंट नो कि अगर ये ऐसा करते हैं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, माइनक्राफ्ट इतना रियल गेम है कि कुछ भी हो सकता है इसमें। यहाँ पे मेरा बेड रख दिया, यहाँ पे थोड़ा खाना बनाता हूँ और ताकि ये विलेजर अंदर बिल्कुल भी ना आए। एए, अरे भाई व्हाट, भाई इज्जत ही नहीं है कुछ। अरे भाई ए उठ उठ, तेरे को सोने नहीं दूंगा, उठ निकल, अरे निकल, मेरा बेड है, उठ, इसके पेट पे मैं जम मारा, उठ। मुझे पता चला कि विलेजर्स बहुत हेल्पफुल होते तो इसको मार नहीं सकते। ठीक है भाई तू सोता रह, मैं इधर लोरी गाता हूँ तेरे लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा देना, अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबा देना, अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना, अगर आपको मुझे माइनक्राफ्ट सिखाना हो तो नीचे कमेंट कर देना, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मिथपैट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अभी तो उठ भाई, इतना लोरी गाया तेरे लिए, अभी तो उठ, मेरी सटक गई है, निकल।